हो कांदा ची पेस्ट, हाँ, आला लसून, गरम मसाला ची पेस्ट, मिर्ची ची पेस्ट, आणि काय आता दोन वाटे, टोटल 6 वाटे होते टमाटर, याच्याने काय होते म्हणजे ते लागते नाही का, हाँ, ते याच्याने लागत नाही. अच्छा, टमाटर और कोथिंबीर. आपला देशी 470 आहे, तर हा 700-800 रुपये किलो आहे. बापरे, पालकची ग्रेव्ही. भाई तुम्हारा नंबर आने को है ना, भी ठहरे 5-10 मिनट. अलग तेल में कितने घट लगा है. आंखों के नीचे के जो डार्क सर्कल्स होते हैं या फिर पफीनेस होती है जो मॉर्निंग के समय पर हो जाती है, इन सब को रिमूव करने के लिए डर्म डॉग का मॉइस्चराइजिंग अंडर आई सीरम विथ सोडियम हाइड्रोनेट बहुत ही इफेक्टिव है. मैं इसे एवरीडे इस्तेमाल कर रही हूँ. स्किन केयर करते समय इसे मैं इस्तेमाल करती हूँ. ये ऑल स्किन टाइप है. बस साफ धुले हुए चेहरे पर इसे आँखों के नीचे 3-5 ड्रॉप लेकर इस सीरम को अच्छे से जो आपकी रिंग फिंगर होती है उसकी मदद से एब्जॉर्ब करवा लेना है. लगभग 1 मिनट के अंदर ये बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है. ये काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग है. जैसे कि आपने देखा इसका टेक्सचर काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग है. ये ऑयल बेस आपको लग रहा होगा पर ये ऑयल बेस बिल्कुल नहीं है. ये एक सीरम मॉइस्चराइजिंग सीरम की तरह काम करता है. और 15-20 दिनों तक अगर आप इसे रेगुलरली लगाते हैं दिन में कम से कम 2 बार तो आपको इसका जो रिज़ल्ट है वो पॉजिटिव मिलने लगता है. 1-2 दिन में इसका रिज़ल्ट आपको पॉजिटिव नहीं मिलेगा. मैं पहले आपको ये मेंशन कर दूं. उसी के साथ इसकी जो परचेस लिंक है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विद कूपन कोड दे दी है. उस कूपन कोड को आप purple.com पर लगाइए क्योंकि आपको इसकी शॉपिंग पर अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा. और purple.com पर तो हमेशा ही कोई ना कोई ऑफर चलती रहती है. ये बहुत ही इफेक्टिव डर्म डॉग का मॉइस्चराइजिंग अंडर आई सीरम सोडियम हाइड्रोनेट के साथ जो है इसे आप एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा. इसके रिजल्ट जब आपको मिलेंगे तब आप खुद आकर मुझे बोलिएगा कि थैंक यू सो मच किरण फॉर शेयरिंग दिस विद अस. हे गाइस, तो मैं थोड़ा सा मिसिंग थी. आपने देखा मटन पक रहा है, अभी भी पक रहा है. पकने के बाद हम उसे फार्म हाउस पे लेकर जाएंगे. एक्चुअली प्लान ये था कि फार्म हाउस में ही मटन बनाएंगे पर फिर पता नहीं कब में ये प्लान कब क्या बन गया. ओके, अभी अभी ब्रेकफास्ट में पता है क्या खाया है. ये है तुअर की फल्ली जिसे बॉईल एंड नमक लगाकर खाया है. बहुत टेस्टी लगती है. मैं आपको एक खोलकर दिखाती हूँ. ये देखिए दाने निकल रहे हैं इसमें. ओह गिर गया. ये देखिए और ये बहुत टेस्टी भी लगते हैं. तो इन्हें एंजॉय किया है. मैं खा चुकी, फिर से खा रही हूँ. आपके लिए खोलकर दिखाया. ये मेरे चाची का किचन है. संबार मतलब होता है धनिया. इला भेटला का मटन? नहीं, रात्रि खाइल का. तो हम लोग जा रहे हैं फार्म हाउस. हमारा मटन रेडी है. और पता है कितना बज रहा है? 1:30 बज रहा है. मटन रेडी होते होते 1:30 बज गया है. तो अभी हम लोग फार्म हाउस जा रहे हैं. और एक जैसे हमने टी शर्ट्स पहननी है जिससे हमारे मम्मी पापा हमें आराम से ढूंढ पाए अगर हम लोग फार्म हाउस में खो गए तो. और एक टी शर्ट अभी हमारे पास है जो हम लोग मेरे जो चाचा का लड़का है सोनल उसे पहनाएंगे. लिया ना टी शर्ट? लाली जा रही है. ऐसा भागी हुआ स्कूटी पर बैठने के लिए.
देख कैसे दिख रही है। इसके लिए मशीन लगता है नसीब वाली है। है ना पैर रखने के लिए पापा लटका रहे हो पैर तो। बाय बाय लाली, बाय लाली। लाली का ध्यान नहीं, ये देख कैसे देख रही है, देख बाय लाली। रास्ता है आगे, देख देख ही नहीं रही है। लाली बोलो नहीं तो लाला बोलो। बाय बाय लाली। नहीं नहीं देखती मनते कि बगुन ना रही। जा काका। ये देखिए हमारा बाहुबली, ये सारी चीज़ें हम लेकर जा रहे हैं काकू के भी हाथ में, सबके हाथ में, मेरे भी हाथ में, पिकनिक बनाने के लिए। ये ले पूरी साल नया ले। ए भाई ए भाई अपना अपना रखना है। ये लाली है और ये उसके बच्चे, तो लाली उनको प्यार कर रही थी। अभी तैयारी चल रही है यहाँ पर बिछाने की, इसी के ऊपर बैठ कर हम लोग हमारी मटन पार्टी न्यू ईयर की इंजॉय करेंगे। भाई अब तो लग रहा है हमारा भाई, देखा टी शर्ट पहनने से सब एक में के वो लगते हैं, भाई बहन लगते हैं। अब हमारे माँ बाप पता ही क्या, हमको वो नहीं कर पाएंगे, घुमा नहीं पाएंगे, समझा कि नहीं। तो सारा सामान आ रहा है, ये यहाँ पर लगा दिया है। आनंद क्या चम्मच पाजे। अभी हम लोग टेस्ट करेंगे मटन, सबने किया सब बोल रहे बहुत बढ़िया, मैंने ही नहीं किया। हाँ और इतनी मज़ा आ रही है ना इस तरह से खाने में, छोटू स्पून नहीं है ना? इसका कोई वैल्यू नहीं है, बहुत अच्छा बना है। अरे हमारे खेत में क्या नहीं है, ये कुछ नहीं है, वो गाने भी पुराने लगा दिए। मैं व्लॉग ही नहीं कर पाती, सब लोग कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ बड़बड़ करते रहते हैं, उस बीच में मैं अपना थोड़ा बहुत व्लॉग कर लेती हूँ। और खाना पीना हो चुका है, अब हम लोग यहीं पर सोने भी वाले हैं, और जब तक सारी चीज़ें हो रही है तब तक हम लोग लूडो खेलेंगे। ये देखो दोनों क्या कर रहे हैं, आप सोच भी नहीं सकते क्या कर रहे हो दोनों। भजन क्या प्ले ऑनलाइन, पहले कोड तो भेज, तूने कोड भेज दिया? मैं कर क्रिएट करता हूँ। हाँ हाँ हाँ, नहीं गेस्ट एज अ गेस्ट कर दे, हम लोग चाह रहे लूडो खेलने क्योंकि मजा बहुत आएगा। दूर से मर सकते हैं क्या? नहीं ना घर में हूँ ना। दूर से मर तू पहली बार खेल रहा है क्या? इसको निकल देता हूँ। नहीं ना तू भी अपना डायलॉग मार ले, इसका तो पूरा ही निकल जा रहा है। अरे वो पिछले गेम में हार गया था ना, उसको बदला निकालेगा वो भी। तो आप गाइस वो करिएगा, बताइएगा कि लूडो में कौन जीतेगा। मुझे तो लगता है मैं जीतूंगी। विशाल देखो कौन लगता है? सबको खुद ही लगता है। सोनल तेरे को क्या लगता है कौन जीतेगा? अनमोल कौन जीतेगा? सब लोग खुद ही को जितवा रहे, लेट्स सी। We'll be right back.
मैं जीत चुकी हूँ. लेट मी शो यू गाइस. सी वन नंबर. अब पता नहीं कौन जीतेगा पर मैं जीत गई हूँ. एकदम सबकी अच्छे से नींद हो गई है. देखो सब लोग सोकर उठ गए हैं. सब ने नैप ले लिया. मटर अपने फार्म हाउस के. और इतना ही नहीं और भी चीज़ें दिखाती हूँ. ये देखिए मेरे चाचा क्या कर रहे हैं. बताइए जरा क्या कर रहे हैं आप. भरपूर ये तुवल. तुवल है इसको पीट रहे. दाना निकाल रहे. हाथ नहीं लावा था. हाथ वगैरह धुत लेना है. थांबा बेटी. अच्छा अच्छा समय हो गया है जाने का. मास्क ऑन है क्योंकि यहाँ पर गाड़ी में जब आप बैठते हो तो मास्क आपका होना चाहिए. ये है. चलो अभी चलते हैं. अभी देखते कब आएंगे फिर. वैसे हमारे घर से ये 5 किलोमीटर पर है. ज़्यादा दूर नहीं है. आना ज़रूर है. मुझे एक प्लांट यहाँ पर लगाना है. अभी मम्मी और चाची या ना. ओके गाइस हम लोग घर पर आ गए हैं. क्या बोलते इधर. जिलेबी नहीं बोलते. जिलेबी नहीं बोलते. नहीं कुछ तो और ही बोलते. जले. मम्मी क्या बोलती है. कुछ तो बोलती है. कुछ अलग ही बोलते. और ये देखिए एक कछुआ है मेरे चाचा के घर में. बेचारा अकेले ही है. इसे देखो मेरे हाथ को काटने की कोशिश कर रहा है. इसका नाम क्या रे. नाम नुम नहीं रखे. रख देते ना रे. कुछ तो नाम रख देते ना. इसका नामकरण. मस्ती. इसका पानी कब चेंज करते हैं. करना ही पड़ेगा. अभी थोड़ा हो रहा है पिला है ना. सुपारी नाही बरोबर टाक. नाही टाकली तरी चालेल.